हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वाईफाई। मैं हूं आपके साथ जानवी और ये है सेकंड पार्ट ऑफिस 365 बैकअप एंड रीस्टोर वीडियोस का ही। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक एडमिन अकाउंट किस तरह से अपने मल्टीपल यूजर्स के अकाउंट से एक साथ मेल बॉक्सेस का बैकअप ले सकता है, लेकिन इसमें हम जानेंगे एक सिंगल यूजर यानी कि आप खुद अपने ऑफिस 365 अकाउंट से मेल बॉक्सेस के आइटम्स का बैकअप किस तरह से ले सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर लॉगिन पेज के साथ ओपन होता है। लॉगिन पे क्लिक कर हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ ऑफिस 365 बैकअप, तो यहाँ बैकअप पे ऑलरेडी क्लिक है, हम बैकअप पर टिक करके नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट दबाने के साथ ही हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम फोल्डर्स सिलेक्ट कर सकते हैं जितने भी हमारे अकाउंट में बने हुए हैं कि हम किन किन फोल्डर्स का बैकअप चाहते हैं। उन पर हम चेक अनचेक करके यहाँ नीचे आ पाएंगे, तो यहाँ ब्राउज का बटन दिखेगा। ब्राउज पे क्लिक करके हम अपनी फाइल सेविंग की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में जिसमें भी चाहते हैं आप वहाँ पे जाके ओके क्लिक करेंगे। देन उसके बाद तो यहाँ खुल जाती है ये एक छोटी सी विंडो जिसमें PSD और EML दो फाइल्स फॉर्मेट हैं। यहाँ पहले हम EML पे क्लिक करेंगे। EML पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम EML फॉर्मेट में अगर चाहते हैं तो यहाँ हम मेल्स का ही बैकअप ले सकते हैं या कैलेंडर और कॉन्टैक्ट्स का बैकअप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप PSD फाइल फॉर्मेट चाहते हैं तो आप मेल्स का, कैलेंडर का और कॉन्टैक्ट्स का सभी का बैकअप ले सकते हैं और इनके बॉक्सेस के आगे आपको चेक और अनचेक करना है। उसके बाद नीचे है डेट फिल्टर। जी हाँ, यहाँ पर आप डेट फिल्टर भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ पूरा होने के बाद नीचे दिख रहे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये शुरू हो गया है हमारे मेल बॉक्सेस के सभी डाटा का बैकअप। लीजिए, बैकअप भी पूरा हो गया, बड़ी जल्दी पूरा हो गया। यहाँ पे डिटेल भी सारी हमें देखने को मिल रही है और उसके बाद हम एप्लीकेशन को क्लोज करके देख सकते हैं अपना आउटपुट, यानी कि हमारी फाइल जो हमने जहाँ पे डेस्टिनेशन दी थी, सेव की थी। लीजिए, ये हमारी फाइल है और इसको हम खोल के देख सकते हैं। हमने PSD फॉर्मेट में इसका बैकअप लिया है, तो हम अपने आउटलुक में जाकर देख सकते हैं अपने मेल्स को, अपने कैलेंडर्स को और अपने कॉन्टैक्ट्स को। तो देखा दोस्तों, कितना आसान था अपने MS Office 365 के अकाउंट से मेल बॉक्सेस आइटम्स का बैकअप लेना। कुछ ही स्टेप्स थे और बहुत आसान थे। इसके साथ ही आपको बताएं कि इस वीडियो के और भी पार्ट्स मौजूद हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि आप अपने ऑफिस 365 के अकाउंट्स के बैकअप की शेड्यूलिंग किस तरह से लगाएं, इसके अलावा डाटा रीस्टोर किस तरह से करें, इसके अलावा एडमिन अकाउंट से आप किस तरह से बैकअप, मल्टीपल यूजर्स का बैकअप एक साथ ले सकते हैं, और इसके अलावा ऑफिस 365 अपने अकाउंट का मशीन में किस तरह से बैकअप ले सकते हैं। ये सारी वीडियोस आपको वाईफाई गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे तो मिल ही जाएंगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिन पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वीडियोस देख सकते हैं। और फिलहाल तो हम तो चलते हैं, लेकिन आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगी। इसके साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है आपका तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। फिलहाल के लिए हम तो चलते हैं, आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और ऐसे ही और वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहेंगे, क्योंकि दिस इज टेक्नोलॉजी। बाय बाय।